बिजनौर के शेरकोट में आज बिजनौर के इतिहास की सबसे बड़ी संपत्ति कुर्की गई है। आज शेरकोट के मोहल्ला अफगानान के रहने वाले वकील कुरैशी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने दिए, तो पुलिस का पूरा अमला इस कार्रवाई के लिए शेरकोट पहुंच गया और वहां पर अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जिसकी कीमत 20,33,62,116 रुपये है कुर्क कर ली गई। SP देहात ने बताया कि वकील कुरैशी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वकील कुरैशी अपने साथियों इदरीस और शमीम के साथ मिलकर आपराधिक काम करता है। इदरीस और शमीम पहले से ही जेल में बंद हैं। अब इनकी संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है और तहसीलदार धामपुर को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। कुर्की से पहले नियमानुसार प्रशासन ने डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी करवाई और उसके बाद सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया गया। SP ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में कई दुकानें, मकान, होटल और खेती की ज़मीनें आदि शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां अवैध कार्यों से अर्जित की गई थी। ये थाना शेरकोट के अंतर्गत जो है एक वकील कुरैशी नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसका एक अपना अवैध स्रोतों से कमाई हुई धन का एक गैंग चल रहा था जिसमें वकील अहमद, इसके साथ ही इदरीस अहमद और शमीम अहमद जो वर्तमान में इसी मुकदमे में जेल में बंद हैं, इनकी जो अवैध स्रोतों से कमाई की संपत्ति की धारा गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत आज जो है लगभग 20,33,62,116 रुपए की, लगभग 20,34,00,000 रुपए की संपत्ति जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क कर ली गई है और तहसीलदार धामपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। आज मौके पर ADM प्रशासन मेरे द्वारा, CO साहब द्वारा, सब स्टाफ द्वारा जो है मुनादी कराकर डुगडुगी पिटवा कर इस संपत्ति को अपने सुपुर्दगी सरकार द्वारा ले लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, इस पर बोर्ड लगवा दिए गए, लाल झंडी हम द्वारा लगवा दी गई हैं। अब आज से ये जमीन सरकार की पक्ष में कुर्क कर ली गई है। चिन्हीकरण की गई है, कस्बे में कई दुकानें हैं, मकान हैं, कुछ होटल हैं और कुछ सरकारी जमीन, खेती की जमीन है। आसपास एक गांव में वो जो तहसीलदार इनके द्वारा चिन्हित की गई है, सब पर कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। ये समस्त जमीन जो है अवैध स्रोतों से कमाई गई है जिसका कि कोई स्रोत नहीं है, अपने परिवार वालों, घर परिवार वालों, भाई पत्नी आदि के नाम कराई गई है और कृषि भूमि है, जो भी चल अचल संपत्ति है समस्त कब्जे में ले ली गई है। अब जो भी आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, ये तीन लोगों के नाम है या सिर्फ वकील कुरैशी? मुख्य वकील कुरैशी हैं, इनके जो गैंग में दो और साथी हैं शमीम अहमद, इदरीस अहमद हैं। सभी की संयुक्त संपत्ति है, सबकी संयुक्त संपत्ति और कुछ अलग अलग है, सभी संपत्ति उसी हिसाब से कार्रवाई में ली जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा ये भू माफियाओं और संपत्ति जब्तीकरण का गैंगस्टर के तहत अभियान चल रहा है जिसमें ये शुरुआत की गई है जनपद बिजनौर में। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। हम कितने की संपत्ति हो गई रहे हैं और कई सारे माफिया, कई सारे अपराधी जो है हम लोगों के रडार में हैं, उनकी संपत्तियों चिन्हीकरण किया जा रहा है। जल्दी इसमें और बड़ी कार्रवाई होगी। वर्तमान कार्रवाई 20,33,00,000 की करीब की गई है, क्योंकि जनपद बिजनौर में सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की गई है। सर, कुरैशी कोई सहयोगी हैं क्या जिनकी इस तरह की कार्रवाई? कुरैशी के दो और साथी हैं, शमीम अहमद और इदरीस अहमद हैं, जो भी इसके साथी रहे हैं। ये सर बाहर हैं या अंदर ही? नहीं, ये लोग अभी अंदर हैं। अच्छा, ये दोनों भी अंदर ही हैं अभी, तीनों व्यक्ति अंदर ही हैं अभी, इसका मतलब। ठीक है, ठीक है सर।